राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश ने सीएम और मंत्रियों के साथ में बैठक की है। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि हमने सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। बैठक के दौरान प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर चर्चा की है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। आज हम सब ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा की है।